नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। सियासी महकमे में अब बिहार की सियासत ने अपना एक अलग रंग रूप दिखाना शुरू कर दिया है। जी हां, बिहार की सियासत में अब सियासी सरगर्मी तेज हो चुकी है, यानी कि सियासी सरगर्मी कुछ इस कदर बढ़ी है कि अब बिहार में समझ में नहीं आ रहा है कि नीतीश कुमार को कब अपनों से धोखा मिलना बंद होगा। एक बार फिर से अपनों से धोखे के बीच में नीतीश कुमार को तगड़ा झटका भी लगा है। यहाँ पर देखिए, मांझी के बाद अब उपेंद्र कुशवाहा ने अमित शाह से मुलाकात की है। आप सभी को याद होगा, बीते दिन ही उपेंद्र कुशवाहा ने जो है यहाँ पर जेडीयू का साथ छोड़ा था, नीतीश कुमार को झटका दिया था और उपेंद्र कुशवाहा ऐसे माने जाते थे कि वो नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं, नीतीश कुमार के बेहद अपने हैं। लेकिन ये कैसा अपनापन हुआ जब उन्होंने समय रहते उनका साथ नहीं दिया, उस वक्त उनका साथ छोड़ करके चले गए जब नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा जरूरत जो है वो यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा की थी। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा उनके साथ कहीं भी नजर नहीं आया और अब तो खबर ये आ गई है कि उपेंद्र कुशवाहा ने मीटिंग की है अमित शाह के साथ। अब आप समझ सकते हैं कि बिहार में आगामी समय में चुनाव है और 2024 के चुनाव से पहले यहाँ पर जो सियासी माहौल बिठाया जा रहा है उसके मुताबिक लगातार उन लोगों पर निशाना जो है बीजेपी साध रही है जो इस वक्त यहाँ पर नीतीश कुमार के खेमे से दूर है या फिर तेजस्वी यादव के खेमे से दूर है। तो आप समझिए कि यहाँ पर नीतीश और तेजस्वी यादव के खेमे से दूर होने वाले तमाम नेताओं को अब बीजेपी अपने साथ रख रही है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि सियासी महकमे में अब नीतीश कुमार को अपनी सरकार चलाने में और भी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है आने वाले चुनाव से पहले जो तैयारी यहाँ पर बीजेपी कर रही है उसकी वजह से पूरा का पूरा सियासी खेल नीतीश कुमार के हाथ से निकल जाए। फिलहाल यहाँ पर पीएम बनने का सपना वो देख रहे हैं, देखते हैं कि सीएम पद भी संभाल पाते हैं कि नहीं, क्या उससे भी उनका इस्तीफा हो जाएगा, देखना बेहद दिलचस्प होगा। इस पूरी रिपोर्ट को सुनने के बाद आप लोग की क्या तर्क है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट।